मित्रों, हमारी पृथ्वी के 70% हिस्से पर समुद्र अपना राज करता है और समुद्र अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए हैं। धरती पर समुद्र 36,17,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। समुद्र अपने भीतर ऐसे कई राज समेटे हुए हैं जिन्हें जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अब सवाल यह आता है कि यह खूबसूरत और विशाल समुद्र कैसे बने। मित्रों, आज हम आपको समुद्र से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप निश्चित ही हैरतअंगेज हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे कई सवाल आपके मन में भी उठते होंगे। तो मित्रों, कई ऐसे सवाल हैं जो इस विशाल समुद्र में छुपे हुए हैं। तो चलिए इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। समुद्र के जन्म का रहस्य। मित्रों, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 100 करोड़ वर्षों पहले हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए यह अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे निर्मित कैसे हुए यह भी एक बड़ा सवाल है। मित्रों, वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब धीरे धीरे वह ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। वो ठंडे होने पर यह बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी। लाखों सालों तक ऐसा ही होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशालकाय गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए और यह भी कहा जाता है कि इन समुद्रों में ही बाद में जीवन की शुरुआत हुई। समुद्री गुफाओं का रहस्य। मित्रों, समुद्र की गुफाएं समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण बनती है। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें होती है। यह समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई है। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से टकराती है तो उनमें सुराख कर देती है, जो धीरे धीरे ये इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह की गुफा एक चीन के अंदर भी है, जिसे रैम्बो केव कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यह जगह कई हजार साल पहले समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर एक खूबसूरत गुफा है जिसे रैम्बो केव या फिर इंद्रधनुषीय गुफा भी कहा जाता है। चीन के गुलिन में स्थित यह गुफा इतने रंगों से भरी है, इसीलिए इसे रैम्बो केव कहते हैं। इस गुफा के अंदर एक रोमांटिक नदी भी बहती है। यह गुफा 240 मीटर लंबी है। समुद्री यात्रा का रहस्य। दोस्तों, समुद्री यात्रा के संस्मरण पर हजारों किताबें लिखी गई है। समुद्री लुटेरे, सिंधबाद जहाजी और समुद्र के सम्राट के नाम से कई किताबें लिखी गई है। समुद्री यात्रा के रोचक और रोमांचक संस्मरणों को पढ़कर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। आखिर समुद्र की दुनिया एक अलग ही दुनिया है जिसका धरती की दुनिया से कोई मेल नहीं है। हाल ही में एक फिल्म आई थी, लाइफ ऑफ पाई। निश्चित ही यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म न हो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समुद्र में कई दिन जिंदगी और मौत के बीच गुजारे हैं। रोमांचक समुद्री यात्राओं के बारे में जहाजों के कप्तानों ने अपने डायरियों में अपने दुर्लभ और रोमांचक अनुभवों को दर्ज किया है। वास्को डी गामा कोलंबस के नाम तो समुद्री यात्रा के लिए प्रसिद्ध है ही, कई बार तो लोगों ने भी ऐसे जीव देखे हैं जिनके बारे में सुनकर आश्चर्य होता है कि आखिर यह क्या चीज है। यह कोई जीवधारी है या फिर निर्जीव वस्तु है। कई बार जहाज निकला कहीं और के लिए और पहुंच किसी और अनजान द्वीप पर जाता है। कई जहाज तो आज तक भी वापस लौट कर नहीं आए हैं। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। दोस्तों, समुद्र ही नहीं बल्कि यह पूरी दुनिया का सबसे रहस्यमय जगह मानी जाती है। समुद्र की इस जगह पर 1000 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। यही नहीं, यहाँ से गुजरने वाले पानी के जहाज और हवाई जहाज भी इस तरह लापता हुए हैं कि आज तक उनकी कोई खोज खबर नहीं लगी है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में वैज्ञानिक भी अब तक पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। समुद्र के खारे पानी का रहस्य। दरअसल दोस्तों, यह सवाल लोगों को हमेशा से परेशान करता आया है कि आखिर समुद्र का पानी खारा ही क्यों होता है। समुद्र का पानी खारा होने के पीछे एक ही रहस्य है। वह यह कि हमारी धरती पर भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उन्हीं खनिजों में से एक नमक भी है। तो सालों से हो रही बरसात की वजह से वही नमक नदियों के सहारे बहते बहते समुद्र में आ जाता है। क्योंकि यह क्रिया सालों से हो रही है, उसी का परिणाम है कि समुद्र का पानी खारा हो गया है। समुद्र की आवाज का रहस्य।
मित्रों, प्रत्येक समुद्र की आवाज भिन्न होती है। प्रशांत महासागर को अपेक्षाकृत शांत माना जाता है, तो हिंद महासागर को अशांत। कहीं कहीं समुद्र की चिड़चिड़ी हुई आवाज होती है, तो कहीं पर किसी वाद्य यंत्र के बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। कहीं पर साए साए तो कहीं पर हवा का इतना जोर होता है कि हू हू जैसी आवाज उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर समुद्र की आवाज के पीछे कुछ कारण होता है और यही आवाज समुद्र की पहचान होती है। कुछ समय पहले दक्षिणी महासागर में एक विचित्र बत्तख जैसी आवाज सुनाई देती थी। वैज्ञानिकों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस रहस्य को सुलझाया। उन्होंने उस बत्तख जैसी आवाज को जैव बत्तख उपनाम दिया था। यह आवाज दक्षिणी महासागर में सर्दी और वसंत के मौसम में सुनाई देती है। इस अजीब आवाज को पहली बार 50 साल पहले पनडुब्बियों ने पकड़ा था। जिसने भी इसे सुना वह इस बत्तखनुमा आवाज को सुनकर हैरान था। इस आवाज के पीछे मछली से लेकर जहाज तक की आवाज होने की अटकलें लगाई जाया करती थी। समुद्री लहरों का रहस्य। समुद्र की लहरों को समुद्र विज्ञानी ही जानता है। समुद्र की लहरें तीन तरह से पैदा होती है। पहली समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा, दूसरी चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार और तीसरी समुद्र के भीतर कहीं आया भूकंप। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मंद पड़ने लगती है। फिर भी कहीं कहीं इनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती है और अंततः सागर तट पर झाग के रूप में टूटती है। और सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होती है, लेकिन किनारों पर पहुंचने पर यह प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी कभी विनाशकारी साबित होती है। चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से 2 बार उत्पन्न होती है, सुबह और शाम। यह घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाले गुरुत्व बल के कारण घटित होती है। इसके बाद अमावस्या को समुद्र शांत रहता है, जबकि पूर्णिमा को अशांत रहता है। समुद्र की गहराई का रहस्य। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है, हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराई में यह 1000 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ पर फैल हो जाती है। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगह को अभी तक खोजा जा चुका है जहाँ पर जीव जंतु रह सकते हैं। समुद्री जीव जंतुओं का रहस्य। मित्रों, समुद्री जीव 2 प्रकार के होते हैं, पौधे तथा प्राणी। समुद्री जीवन धरती की अपेक्षा कहीं ज्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा है। यहाँ एक ओर जहाँ पर विशालकाय व्हेल है, तो दूसरी ओर आंखों से न दिखाई देने वाली छोटी छोटी मछलियाँ और जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू व्हेल की जीभ का वजन कई हाथियों के बराबर होता है। हमारे समुद्र 1-2 नहीं बल्कि लाखों जीव जंतुओं से भरे पड़े हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको समुद्र के इन रहस्यों में से सबसे ज़्यादा विचित्र रहस्य कौन सा लगा या नहीं लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।